सकल सोशल एक्शन फॉर कम्युनिटी अल्टरनेटिव लर्निंग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली NRM में काम करता है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो मतलब ट्राइबल एरिया में जिस चीज़ है उसको लेके कैसे उनका लाइवलीहुड बन सके उसके भी ऊपर काम कर रहे हैं। और ये काफ़ी अभी 19 साल हो गया है ऑर्गेनाइजेशन को, तो अभी भी जो काम चल रहा है वो लाइवलीहुड का काम ही चल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हो सकता है और केमिकल को कैसे एवॉइड करके ऑर्गेनिक मेथड में कैसे कर सके, और पेस्टिसाइड जो केमिकल मिलता है उसको मतलब ना डाल के ऑर्गेनिक में कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे बोलते हैं कि हांडी कट बोलते हैं और हदरी कट बोलते हैं, जीवामृत पंचगत, ऐसा बहुत सारे हैं, जैसे उसका लिक्विड फॉर्म में भी है। तो वो सब अपनी खुद फार्मर्स तैयार करके उसको ज़मीन में अपना डाल के खेती बाड़ी करते हैं। तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारा है, तो उसमें एक तप्त पानी प्रोड्यूसर कंपनी भी है, जिसकी वजह से फार्मर लोगों को सीड्स देना, उनको ट्रेनिंग देना कैसे फसल करेंगे और उसको बेचना, ये सारे काम उसमें होता है। उसमें शेयर होल्डर भी है फार्मर्स का। तो और भी एक प्रोजेक्ट है अभी उड़ीसा गवर्नमेंट का, मिलेट मिशन प्रोजेक्ट है, उसमें से कैसे सारे मिलेट कैसे ज़मीन में करेंगे, जो पहले था इन लोग का हैबिट था, खाने का हैबिट था, वो अभी धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो उसको फिर से कैसे उसको लाएंगे, उसको फूड में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में भी अभी काम चल रहा है। तो और भी था मलेरिया गजपति, तो मलेरिया के लिए बहुत मतलब फेमस है वहाँ पे, नायोनोफिलिस मॉस्क्यूट है, तो उसके बारे में भी एक प्रोजेक्ट चालू था TAT टाटा ट्रस्ट, वो भी काफ़ी 2-3 साल तक काम किया उसमें। और भी एक प्रोजेक्ट है वो भी FRA, जैसे आदिवासी लोगों का जो जंगल के ऊपर निर्भर करके जो अपना लाइवलीहुड बनाते हैं, तो उनके लिए जो 2005 का जो एक्ट है FRA फर्स्ट राइट एक्ट, तो उसमें कैसे उन लोगों का ज़मीन पा सके, तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। किस किस प्लेसेस में आपका काम चल रहा है? गजपति डिस्ट्रिक्ट का मोहना ब्लॉक में, और एक सरोड़ा ब्लॉक, एक धराकोट ब्लॉक, 3 ब्लॉक, गंजाम में 2 ब्लॉक और गजपति में 1 ब्लॉक, और उसमें से 18 पंचायत में हम काम कर रहे हैं। अब तक कितने एकड़ में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसको फार्मर्स को एजुकेट किया? 60 एकड़ अभी तक है, मतलब फुल प्योर ऑर्गेनिक 60 एकड़, अभी 2 पंचायत में किया हूँ, तो ये कस्तवाड़ी पंचायत और एक मलासपुर पंचायत, ये दोनों में ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका नाम है ये ओह, ये ज़्यादा करके नाले के साइड में इसका पेड़ होता है और इसको खट्टा बना के खा सकते हैं। ये तो पपाया है, ये तो ये हर जगह मिलता है, हाँ हर जगह मिलता है, ज़्यादा करके प्रेग्नेंट लड़की के लिए ये सबसे अच्छा है। और ये जो है ये जंगल में ही मिलता है, इसको क्या करेंगे, इसको काट के सुखा देंगे धूप में, फिर इसको पाउडर बनाएंगे, पाउडर में थोड़ा सा रागी का पाउडर मिला के उसको बनाएंगे, पाइस जैसा बनाएंगे, फिर खाते हैं इसको। तो ये खाने से थोड़ा शरीर का जो ये कृमि बोलते हैं वो निकल जाता है, ये भी जंगल का ही है, लेकिन ये भी थोड़ा तीखा तीता लगेगा, मासिया कंदा बोलते हैं इसको, मासिया कंदा, ये ज़्यादा करके आदिवासी लोग खाते हैं वहाँ पे। और ये जो है ये इसका तो फल को खाते हैं, ये वेजिटेबल्स है बटल का, और इसके अंदर जो पक जाते हैं, पकने के बाद ये निकलता है, उसको बर्तन साफ करने का काम होता है या नहाने के टाइम पे भी ये काम में आ जाता है, दोनों तरीके से काम पे आ सकता है ये। और ये एलिफेंट याम है, इसको अपने भाषा में हाथी पद कंदा बोलते हैं, जैसे हाथी का फूड जैसे होता है, ये 1-2-3 ऐसा निकलता है चारों तरफ, ये पूरा राउंड होगा, पर ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो अगर इससे बड़ा होगा तो ये पूरा ऐसा रहेगा राउंड वाला, हाथी का फूड जैसे, हाथी का पग जैसे। और ये जो दिख रहा है ये तो लोकल वेराइटी है, इसको करुणा बोलते हैं, ये थोड़ा खट्टा रहेगा, और इसको 2 तरीके से खा सकते हैं, सूखा के खा सकते हैं और इसे कच्चे में भी खा सकते हैं, इसको ऐसा, हाँ बाम्बू शूट, ये बीच वाला को निकाल लेंगे और इसका इसके अंदर जो है इसको थोड़ा ऐसा ऐसा काट देंगे, पूरा राउंड राउंड करेला जैसे काटते हैं उसको काट देंगे, काट के इसको उबालेंगे,
उबालने के बाद इसके अंदर जो तीता रहता है वो तीता निकल जाएगा, फिर इसको सब्जी बना सकते हैं, तो ड्राई भी बना सकते हैं इसको, थोड़ा करी जैसे भी बना सकते हैं। ये किस सीजन में मिलता है बैम्बू उधर आपके पास? किस सीजन में मिलता है? ये बारिश का मौसम में आता है, अगस्त में मिलेगा ये, अगस्त सितंबर सितंबर को मिलता है ये, ऊपर का छिलका निकाल के इसको खाने का है, लेकिन ये जो ये है इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा खाने के लिए। हाँ, ये ऊपर से सब डाल सकते हैं मगर यहाँ से जो कड़क है इसको निकालना पड़ेगा। और ये जो है ये बड़ा वाला उसको लंगड़ कंधा बोलते हैं, इसको कैसे भी लगाओ हर कंधा ऐसे ही होगा, थोड़ा लंबा जाके ऐसा होगा, जैसे हल चलाते हैं जमीन में ऐसे ही होगा। इसके लिए इसका नाम है लंगड़ कंधा बोलते हैं इसको, हर कंधा ऐसे ही होगा, थोड़ा सा जाके फिर एल टाइप का होगा। और ये सबसे फेवरेट है, इसको पिठौड़ कंधा बोलते हैं, ये ऊपर का थोड़ा छिलका निकाल के इसको पूरा करेला जैसे ही काट के उसमें थोड़ा बेसन या चावल का चावल को पीस के भी बना सकते हैं, बहुत मस्त लगेगा ये खाने के, थोड़ा रोस्ट कर देंगे तो बहुत मस्त लगेगा। और ये भी थोड़ा अच्छा चीज़ है, ये हर फार्मेस के घर के पीछे ये लगाते हैं इसको, हाँ इसको काठा कंधा बोलते हैं, ये सबसे टेस्टी है। इसका ऊपर का थोड़ा मोटा सा छिलका निकलेगा, ये निकल जाएगा, ये निकलने के बाद ये जो बीज का है ये बहुत मस्त लगेगा। इसमें से बाजार में भी मिलता है, जैसे आलू का चिप्स मिलता है, लेयर्स बोलते हैं उसको, थोड़ा मोटा रहता है, उसको बना के करते हैं। ये CTCR है, सेंट्रल ट्यूबर जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे भी यही चल रहा है। ये तो स्वीट पोटैटो है, ये तो हर जगह मिलता है, ये घर के पीछे लगाते हैं, ये थोड़ा अच्छा चीज है, उसको मतलब संतुला बना सकते हैं, संतुला बोलते हैं, उसमें कुछ मसाला वसाला कुछ नहीं डालेंगे, बस सूखा मिर्ची थोड़ा सा प्याज और सरसों, बस इतने थोड़ा नमक डाल के खा सकते हैं, बहुत मस्त लगेगा आलू के साथ, ये बहुत अच्छा लगेगा खाने को। और ये तो सब है सारे तेल, इसमें से ये सनफ्लावर का तेल है, तिल का तेल, ये नाइजर तिला, ये तीनों को खा सकते हैं खाने में, और इसको खा नहीं सकते, इसको दिया में जलाते हैं या तो फिर आग लगा के नहाते हैं। इसको आप कैसे निकालते हैं इसमें से आयल? कुछ आयल मशीन आपके पास? आयल हमारे पास नहीं है, मिल है लोकल मार्केट में है, उसमें से लेके हम इसको पीस के इसको लगाते हैं बस। చిన్నవి